नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, रियलिटी शो बिग बॉस OTT3 में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। घर में पहले दिन घर के काम को लेकर अक्सर ही कॉन्टेस्टेंट्स के बीच झगड़ा देखने को मिल रहा है। वहीं अरमान मलिक अपने दो शादियों को लेकर हेडलाइंस में है। इन सबके बीच कुछ कॉन्टेस्टेंट में दोस्ती और स्पेशल बॉन्ड भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब गाँव की छोरी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शिवानी कुमारी हाल ही के एपिसोड में बेहोश हो गई है। उन्हें बिग बॉस सजा दी है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और रोते रोते बेहोश हो गए। दरअसल शिवानी कुमारी बिग बॉस के घर में आने के बाद से ही किसी न किसी वजह से सुर्खियां बनी हुई हैं। कभी अरमान मलिक और उनकी पत्नियों के साथ अपनी दोस्ती को लेकर तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पौलोमी दास के साथ बहस को लेकर भी है। शिवानी ने पौलोमी दास के कपड़ों पर कमेंट किया था तो उनके बीच बहस देखने को मिली थी। ऐसे में हाल ही में एपिसोड में शिवानी को बिग बॉस ने कंटेस्टेंट से माफी मांगने की सजा दी तो वो बेहोश हो गई। नए प्रोमो के मुताबिक बिग बॉस ने शिवानी कुमारी और रणवीर शौरी को सभी घर वालों से माफी मांगने की सजा दी है। रणवीर ने हाथ जोड़कर सभी से माफी भी मांगी है, लेकिन वहीं शिवानी रोने लगी और बिग बॉस से कहती नजर आई कि वो कोई भी टास्क करेगी लेकिन किसी से माफी नहीं मांगेगी। इसके बाद वो लगातार बोलते और रोते रोते अचानक से बेहोश हो जाते हैं। रणवीर शौरी और बाकी लोग उन्हें होश में लाने की कोशिश करते हैं, फिर अरमान मलिक उन्हें गोद में उठाकर मेडिकल रूम में लेकर चले जाते हैं। कैसे शुरू हुई शिवानी और पौलोमी बहस? अगर पौलोमी दास और शिवानी कुमारी की बीच की बहस के बारे में बात की जाए तो हाल ही के एपिसोड में देखने को मिला था कि शिवानी ने पौलोमी दास की लो नेक लाइन ड्रेस पर कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि वो इतने डीप नेक कपड़े कैसे पहन लेती है, यहाँ तक कि थोड़ी कम नेक लाइन भी मुझे मंजूर नहीं है, ये लोग हाई क्लास है। इसके बाद एक वीडियो क्लिप सामने आई थी जिसमें विशाल पांडे और अरमान को झगड़ते हुए देखा गया। इसे लेकर पौलोमी शिवानी ने पूछा था कि क्या ये अभी भी हो रहा है। इसके जवाब में शिवानी ने कहा था कि जाकर खुद देख लो, मुझे कैसे पता चलेगा। फिर शिवानी की बात को सुनकर पौलोमी को गुस्सा आ जाता है और उन्होंने शिवानी को ठीक से बोलने के लिए कहा है। इसके बाद इनके बीच तीखी नोक झोंक हो गई और इसी बीच शिवानी ने उन्हें कहा कि वो बात ना करे और चली जाए। शिवानी ने कहा कि मत करो बात, तुम जैसी लड़कियां, तो इससे दोनों के बीच और भी तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। बाकी बिग बॉस को लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, और देख रहे हैं तो इन सारी हरकतों पर आप क्या राय देंगे, इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।